हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद मैथ पर। फ्रेंड्स, आज की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो आपके आरआरपी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम से रिकॉर्डिंग आ रही। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेलवे ने जब से घोषणा किया है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्जाम होगा, तभी से सभी स्टूडेंटों के मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है, क्या एनटीपीसी के एग्जाम 15 दिसंबर से कंडक्ट कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। क्योंकि रेलवे ने क्या किया है कि आपको अभी घोषणा की है कि 15 दिसंबर से आपका जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम कराया जाएगा। फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड जो है तो आज एक ऑफिशियल बहुत बड़ी नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में उस नोटिस को दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको पता होगा मैं हमेशा जो है डेली अपने कम्युनिटी पर जो है एक आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता हूं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो है कि उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यदि आप भी ऐसा देना चाहते हैं, अपने जो है जीके को मजबूत करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, आप स्टडी विद मैथ की कम्युनिटी टैब को एक बार जरूर चेक किया करें। वहाँ पर जो मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसका आप रिस्पॉन्स आप भी किया करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं देखा जाए यदि कल की डेट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नित्य है, ये आप देख सकते हैं आरआरबी जेई में जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में आया था। यहाँ पर देखा जाए तो एक दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2100 स्टूडेंटों ने वोट किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं मणिपुरी के लिए 7% स्टूडेंट, मणिपुरी कहाँ का है आपको पता होगा, मणिपुरी जो है तो मणिपुर का है। कथक के लिए जो है तो 14%, जो आपका कहाँ पर नॉर्थ इंडिया का उत्तर प्रदेश में आता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मोहिनीअट्टम में सबसे ज़्यादा 74% जो है तो स्टूडेंटों ने इसको राइट आंसर किया था, जबकि यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी होगा। यदि कोचीपुड़ी देखा जाए तो इसको 4% स्टूडेंटों ने इसका आंसर दिया था। आप कोचीपुड़ी आपका जो लोकनृत्य है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर से जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया फैक्ट, इस फैक्ट को आप याद जरूर रखिएगा। और आप यदि रेलवे में अपनी जो है प्रिपरेशन को और अच्छी करना चाहते हैं तो आप जो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन बताता हूँ, इन क्वेश्चनों को आप डेली जो है तो अटेंड किया करें। और यदि कमेंट बॉक्स में आप देना चाहते हैं अपना श्योरिटी के साथ कि आपको पता चले कि आपका यदि क्वेश्चन 100% आपको लगता है कि राइट है, तो वो आप कमेंट में किया करें, क्योंकि मैं इसका जो है तो कमेंट सभी कमेंटों को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस था, आपके लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिटी टाइप था, आप इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आगे दिखाता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई है। मैं आपको बता दूँ, मैं आपके लिए लगातार जो है फ्री में मॉक टेस्ट या फिर फ्री में मॉक टेस्ट का एनालिसिस अनअकैडमी पर ला रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप जो है तो उसको अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि आपको कौन सा मॉक टेस्ट अटेंड करना है, उसको कैसे करना है, उसकी जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप आई बटन में एक बार जरूर चेक करिएगा। वहाँ पर आपको लिंक दी गई कि आपको जो है तो मॉक टेस्ट को कैसे अटेंड करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अब आपको नोटिस दिखाता हूँ और उन नोटिस में दिखाता हूँ कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने जो नोटिस है वो नोटिस ओपन आकर आ चुका है। अब इस नोटिस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड, सीएल नंबर आप देख सकते हैं 032019, जो आपके आरआरसी ग्रुप डी और आपका जो है तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए रिक्रूटिंग फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये जो आपके नोटिस जारी किया गया ये आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए जारी किया गया। इस नोटिस के आधार पर मैं बताऊंगा कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि आपको अभी पता होगा कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसका एप्लीकेशन स्टेटस जो है तो वो एक बार चेक हो चुका है, जो 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चेक हुआ था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए थे जिनका जो है तो एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी तो एनटीपीसी ने जो है तो उन स्टूडेंटों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक नहीं जारी किया गया। एक बार जब मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया जाएगा उसके बाद जो है तो आपका एग्जाम का शेड्यूल आएगा और उसके बाद आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपका अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो कब तक होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं
The scrutiny application was completed and application status link was provided per condition of 15 October 2010. यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया कि आपका जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ था उसके लिए जो आपका स्कूटनी उसकी आपकी एप्लीकेशन स्टेटस की जांच थी वो पूरी तरीके से कर ली गई है। उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो है तो आपके लिए टाइम भी दिया गया था। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया द सिंगल स्टेज सीबीटी एस पर डिटेल्स प्रोवाइड इन सीएन नंबर 032019 ड्यू टू ऑब्जर्विंग कोविड 19 गाइडलाइंस विल बी हेल्ड टेंटेटिव बिटवीन 15 अक्टूबर। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया आपका जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का सीबीटी एग्जाम होने वाला है वो आपका एग्जाम जो है 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा जो कि आपका टेंटेटिव डेट रखी गई है। अभी तक कोई डेट उसकी जो है तो फिक्स नहीं की गई है, आपका टेंटेटिव डेट है लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 15 दिसंबर से कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल फ्री रहिए। द लिंक फॉर व्यूजरिंग द एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग फॉर ट्रेवलिंग था यहाँ पर बताया गया कि आपका जिन कैंडिडेटों का एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके अलावा आपका जो कहाँ पर आपकी कौन सी सिटी में आपको एग्जाम है इन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है तो आपको 10 डे जो है तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड लेटर विल बी स्टार्ट यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से चार दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जिन कैंडिडेटों का 15 दिसंबर को एग्जाम है वो 11 दिसंबर से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन जिनका 23 दिसंबर को एग्जाम है वो अपना जो है एडमिट कार्ड 19 दिसंबर को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो है तो 23 दिसंबर वाले स्टूडेंट भी जो है तो 11 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं यदि ऐसी बात आती है। और फाइनली फ्रेंड्स अभी INTPC के एग्जाम देखा जाए उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। फिर आगे देखिए कैंडिडेट विल बी एडवाइज टू रिफेयर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लीज डू ना। यहाँ पर फाइनली फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस और इम्पोर्टेंट बात बताएगी कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो केवल आप ऑफिशियल वेबसाइट से लिया करें क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन की जो है तो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप जो है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि लें तो वो आप हमेशा जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीवेयर द टूर ऑफ द हु ट्राई मिस गाइडलाइन यहाँ पर बताया गया कि आपको बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फेक में आपको कहा जाता है कि आपका जो है तो रेलवे में सिलेक्शन दिलाया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं, इसलिए आप जो है इन बातों को ध्यान मत दीजिएगा। आपका जो सिलेक्शन है आपकी CBT बेस्ड एग्जाम होगा और आप अपने जो है तो CBT एग्जाम को पेपर अच्छा जाएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा रही फ्रेंड्स अब बात की जाए कि आपका INTPC के जो एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, तो INTPC के जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है वो आपका जो है तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा उसके बाद होगी। तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का 15 से 23 दिसंबर के बीच में तो INTPC का जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ लास्ट जनवरी या फिर स्टार्ट जो है तो फरवरी में आपका मिनिस्ट्री INTPC एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। और रही बात ग्रुप डी के तो ग्रुप डी का आपका जो है तो लास्ट मार्च या फिर स्टार्ट जो है तो अप्रैल में होने की पॉसिबिलिटी। फाइनली फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट थी, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा क्योंकि आपको इतनी अच्छी अपडेट आपको यहाँ पर इसी तरह से मिलती रहेगी। फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ पर।